स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टीआईआर 1 का जो अभी एग्जाम हुआ है 2020 में, उससे रिलेटेड उसका एनालिसिस करेंगे कि 12th मार्च को और 13th मार्च को, 14th को, 15th, 16th और 19th और 20th को जो एग्जाम हुए हैं उन सभी के पेपरों का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था सब में और कट ऑफ कैसा रहने वाला है। पिछले साल का कट ऑफ क्या था, 2012 से लेके 2019 तक का कट ऑफ क्या था, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग पूरा सब डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर करिए जो जो बच्चे अभी अभी एग्जाम दे के आए हैं उनके, और जो आगे देने वाले हैं बिगनर्स जो हैं वो उनको भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 1920 से, मतलब 1920 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पेपर आया था वो किस टाइप का था, अगर टोटल देखें कंक्लूजन एक निकालें तो इजी टू मॉडरेट में था। अब मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो पहला जो हम लोग का चार्ट है यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं CHSL, ये जो है मतलब ओवरऑल है, तीनों से रिलेटेड है, मतलब 1920 दिसंबर और 16, 15 और 13 और 12 दिसंबर, ये सारी चीज़ों से मतलब मैंने एक समरी बनाया हुआ है उससे हम लोग इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो क्वांट का पेपर था उसमें कौन कौन से टॉपिक से आए थे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नंबर सिस्टम था जो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स था, डेसिमल थे, फ्रैक्शन थे, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे, परसेंटेज था जो आता ही है, और रेशियो प्रोपोर्शंस थे, एवरेज से क्वेश्चन आया था, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस से आया था, डिस्काउंट से आया था, मेंसुरेशन से भी आया था, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा मेंसुरेशन से भी आया था, टाइम एंड डिस्टेंस से आया था, रेशियो एंड टाइम से भी आया था, रेशियो और टाइम, मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि टाइम का जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो उसमें रेशियो भी दे देता है, उस पे जो टाइम एंड वाला था वो सारी चीज़ें इसमें आई थी, कवर किया गया था। फिर टाइम एंड वर्क से भी इसमें इस टॉपिक में आया था, मेन जो टॉपिक थे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था, जो क्वांट का एप्टीट्यूड जो टेस्ट हो रहा था उसका लेवल था मॉडरेट टू आपका ईजी टू मॉडरेट, मतलब मॉडरेट ही था इसका, ना ज़्यादा ईजी था क्वांट वाला जो सेक्शन था ना ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट में मतलब बीच का मीडियम कैटेगरी से क्वेश्चन आया था, ठीक। तो अभी आगे और भी सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो था, इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक नॉलेज जो आता है ग्रामर का जो आता है वो आया था, स्पॉटिंग द एरर्स आया था, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आया था, सिनोनिम्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती ही हैं, स्पेलिंग करेक्शन, आइडम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेज एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से क्वेश्चन आया था, और भी सारे फ्रेजेज वगैरह आए थे। तो इसका जो क्वेश्चन का जो टाइप था वो किस टाइप का था, ईजी टू मॉडरेट गया है, ईजी टू मॉडरेट गया है, ठीक है। 21 to 23 क्वेश्चन जो थे इस टाइप के थे, ईजी टू मॉडरेट वाले जो 21 से 22 क्वेश्चन जो थे, 23 क्वेश्चन वो थे। अटैम्प्ट इंग्लिश मतलब ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो छोड़िए आगे बढ़ते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, रीजनिंग के जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो किस टाइप के क्वेश्चन थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं इसमें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एनोलॉजीज में से आए हैं, क्लासिफिकेशन एनोलॉजी में से आया है, कोडिंग डिकोडिंग आता ही है, हर साल आता है तो इस साल भी आया है, पजल मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन आया था, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम तो आता ही है, तो ये सारी चीज़ें आई थी आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में। डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन होता है वो आया था, ब्लड रिलेशन आता ही है, सीरीज आता है, सीरीज जो नंबर सीरीज भी हो सकता है, और भी सारे मिसिंग नंबर वगैरह टाइप के क्वेश्चन ये इसमें आते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आया था, पेपर फोल्डिंग मिरर इमेज नहीं होता है, जैसे कि आप लोगों को फिगर दिया होगा किसी चीज़ का, चित्र दिया होगा, उससे आप लोगों को पता लगाना होगा कि क्या होगा, उसी को नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, जैसे कि कोई पेपर का टुकड़ा दे दिया होगा, बोला गया होगा कि इस टाइप से इसको फोल्ड करना है, तो मतलब उसका सीरीज बताना है कि अगला कौन सा फोल्ड करने पर हम लोगों को एक फिगर मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस टाइप के आते हैं। देख लेते हैं कि इसमें जो थे क्वेश्चन किस टाइप के थे, हार्ड थे या इजी थे या मॉडरेट थे। जो क्वेश्चन था इसमें इजी टू मॉडरेट था, 21 से 23 क्वेश्चन जो थे इजी टू मॉडरेट गए हैं,
मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कुछ पोर्शन इजी का भी था, कुछ पोर्शन हार्ड वाले मतलब मॉडरेट वाले भी थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला देखते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कौन कौन से कैटेगरी से, ये जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ ओवरऑल है, यानी कि पूरा जो 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का एग्जाम हुआ है सबका मैं एक कंक्लूजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो है इसमें, तो स्पोर्ट्स आया है क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में से, हिस्ट्री एंड कल्चर में आया है, हिस्ट्री और कल्चर आता ही है, स्पोर्ट्स आता ही है, स्पोर्ट्स में से आईपीएल में से भी क्वेश्चन आया था, आप लोगों ने काफ़ी इसको मतलब ऑब्जर्व किया होगा। इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिटी अवार्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च जो अभी हाल ही में हुए हैं वो सारी चीज़ें आई थी इसमें। इसका जो कैटेगरी था इजी टू मॉडरेट था, ये भी इजी टू मॉडरेट था, 20 से 22 क्वेश्चन जो थे इजी टू मॉडरेट थे। टोटल क्वेश्चन ये जो था ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू 100 था, इजी टू मॉडरेट जो आया है 72 से 82 क्वेश्चन जो थे इजी टू मॉडरेट थे, मतलब जो आसान क्वेश्चन थे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे वो 77 से 82 के थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे वो हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। आगे देखते हैं, आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, जो जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि 20 दिसंबर अक्टूबर को जो हुआ था एग्जाम, TIR 1 का एग्जाम हुआ था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चनों का पार्ट जो होगा थोड़ा सबके आंसर हम लोग देख लेंगे। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जितने भी एग्जाम हुए हैं अगर सबका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लगूँ इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं, तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया है, इन विच मंथ डिड अरुण जेटली डाइड, अभी हाल ही में साल भर होने जा रहा है, एक साल हो गया है अरुण जेटली की मृत्यु हुई थी, तो कौन से मंथ में हुई थी ये आप सभी को पता होना चाहिए, तो 24 अगस्त 1919 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को, ये देखिए ये नंबर वाइज नहीं है कि यही क्वेश्चन मतलब इसी सीरीज में आया है नंबर वन क्वेश्चन, तो पेपर में भी नंबर वन, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे कलेक्ट किया है सारे सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से और आपके रीजनिंग से भी और क्वांट से भी, सारे क्वेश्चन मतलब सेट से हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो 20 तारीख को ये पूछे गए हैं उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। हु वॉन द टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है, यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया है, 2019 ये किसने मतलब जीता था ये अवार्ड, तो इसका आंसर होगा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, सारी चीज मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इंडियन माउंटेनर अनीता कुंडू ने इनको ये अवार्ड जीता था, तो ये आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग एग्जाम नहीं दिए हैं तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हु वॉन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता था, तो ये पीवी सिंधु है इसका आंसर। आगे देखते हैं, हु पार्टिसिपेटेड इन द नजीम अल बहार एक्सरसाइज जो हुआ था, उसमें कौन कौन से देश जो है पार्टिसिपेट किए थे, एक्सरसाइज यहाँ पर से पता ही चल रहा है कि कौन कौन से मतलब सैन्य अभ्यास हुआ है इसमें, तो इसमें कौन कौन से जो देश थे वो पार्टिसिपेट किए थे, इंडियन नेवी शिप्स, ठीक है, और सुभद्रा एंड ओमान नेवी का जो शिप था यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन सा था, ओमान नेवी का शिप था और RNOV जो है अल रशिक जिसको बोलते हैं ओमान नेवी का जो इसमें शिप्स जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे वो सारी चीजें इसमें बताया जा रहा है। ये कहाँ हुआ था मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, पोर्ट है गोवा में है, गोवा का जो पोर्ट था वहाँ हुआ था, इंडिया एंड ओमान के बीच हुआ था ये एक्सरसाइज कंडक्टेड किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी शिप्स जो थी इसमें सब दिया हुआ है, आप लोग इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने में टाइम लग जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑन द आपको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा, हु ऑन द साफ U15 चैंपियनशिप 2019, इंडिया जीता था, तो ये सारी चीजें एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द सेवन सिस्टर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बताना है और ऑप्शन भी दिया था, ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट यहाँ पे खाली आंसर दे दे रहा हूँ। सेवन सिस्टर्स
जो थी वो नॉर्दर्न इंडिया, मतलब क्या है सेवन सिस्टर, वो सारी चीजें इसमें बताया है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से जो इसका आंसर क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सारी जो मतलब सात स्टेट्स हैं इनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा आप लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द तंगभद्रा रिवर, तंगभद्रा रिवर जो है उसके किनारे कौन कौन से जो ये आपके मतलब सिटीज जो हैं, कौन कौन से स्टेट से कौन कौन से सिटी सिचुएटेड है किनारे इस रिवर के किनारे, तो आप लोगों को मैं आप बता दे रहा हूँ, हैम्फी, कंपली और ये सारी चीज़ें मतलब आप लोगों को मिल जाएंगे इस नदी के किनारे। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, ये सिटीज जो हैं वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, इस नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस, कहाँ से कृष्णा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। देखिए मैं सारे क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे खुद बोर होने लगेंगे इसी वजह से। कृष्णा रिवर से कौन सी मतलब ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, माफ कीजिएगा, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये आप लोग का आंसर है महाबालेश्वर से, और ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर जो है, ठीक। अगला देखते हैं, नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बनर्जी बिलोंग्स टू विच फील्ड, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं जो नोबेल प्राइज जीते हैं अभिजीत बनर्जी, ठीक, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करते हैं। अभिजीत बनर्जी के आप लोग ने काफी नाम सुना होगा, जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो उनका नाम सुना होगा। अगला देखते हैं, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड विच स्पोर्ट, फुटबॉल से रिलेटेड है, ये सारी चीजें खेल जगत से क्वेश्चन आई हैं। और देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये जो है इस किताब के लेखक कौन है ये आप लोगों को बताना है, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी थे इसके लेखक। अगला क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया था, मैं ज्यादा कुछ सारे क्वेश्चन को नहीं लिखा हूँ, कुछ क्वेश्चन है बस, इसके बाद एंड हो जाएगा अगला, फिर हम लोग देखेंगे कि उसके पहले जो 19 तारीख को पेपर हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया था, वो सारी चीजें हम लोग एक बार नजर दे लेंगे। व्हाट इज मेंट बाय ए फायरफॉल, ठीक, ए फायरफॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। फायरफॉल क्या होता है, आप लोग जब जितने लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि फायरवॉल क्या होता है, फायरफॉल मैं बोल रहा हूँ माफ कीजिएगा, फायरवॉल क्या होता है, ठीक है। फायरवॉल एक तरह का सिक्योरिटी डिवाइस होता है, सॉफ्टवेयर कह लीजिए आप एक तरह से, जो कि मतलब कोई भी अटैक होता है तो उसको आप मैलिशियस एक्टिविटी जो भी आपसे आपके कंप्यूटर में होती है एक तरह से अटैक समझ लीजिए, चाहे कुछ वायरस आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करता है, उसको आने नहीं देता है, चाहे अनऑथराइज एक्सेस किसी का नहीं होने देता है कंप्यूटर पे, ये सारी एक्टिविटी फायरवॉल का काम है। आप लोग सभी जानते होंगे अगर कंप्यूटर के क्षेत्र से कुछ आपको नॉलेज होगा तो। फिर आगे बढ़ते हैं, 17 चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया कौन अभी मतलब है, ठीक है, तो शरद अरविंद बोंदे, ठीक है, ये आप लोग नाम याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड वाज इनिशिएटेड इन, फर्स्ट जो भारत रत्न अवार्ड होता है वो पहले कहां से शुरू किया गया था, कौन से सन से शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि जो पहला भारत रत्न अवार्ड था वो किसे मिला था, ये नहीं पूछ रहा कब मतलब दिया गया था, कब इनिशिएट इसका शुभारंभ किया गया था, ये जो भारत रत्न अवार्ड का सेरेमनी होता है उसका, तो 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था, माफ कीजिएगा 1954 में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक जो वर्ड है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आप लोगों को इसको याद कर लेना है, बेसिक बिगिनर ऑफ ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक ये जो आप लोग ये आप लोग पढ़ लीजिए, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये सारी चीज ये होती है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अब देख लीजिए 19 तारीख को जो 19 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से, कुछ क्वेश्चनों का हमने यहाँ पे सेट तैयार किया है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 किसको मतलब नवाजा गया था, तो किरण मजुमदार शॉ, ये मैंने आप लोगों को जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ, तो अगर जो बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे मेरे वीडियो से उनको तो याद होना चाहिए। मैं आई होप मैं आप लोग में से कितने लोग थे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर लिख के आए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है कि गैरसेन इज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट, उत्तराखंड का जो है समर कैपिटल बोला जाता है, फिर सिनोनिम पूछ रहा है, फिर एंटोनिम पूछ रहा है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस चीज का पूछ रहा है,
देखिए टाइम नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ आगे। हु हैज बीन चूजन फॉर 29th सरस्वती सम्मान, किसको 29वीं सरस्वती सम्मान के लिए मतलब सेलेक्ट किया गया था? वासुदेव मोही, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सैला डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, जो सैला डांस होता है वो कहाँ से मतलब रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। When was द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्टेड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है माफ कीजिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कब स्टार्ट किया गया था देना, मतलब उसका सेरेमनी? तो 1985 से स्टार्ट हुआ है कि लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि द्रोणाचार्य अवार्ड लोगों को किस फील्ड के में जो अच्छा काम करता है उसके लिए दिया जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, वर्ल्ड, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा जूम कर दूं मैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को किया जाता है। नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय पंजाब स्टेट, देखिए मोबाइल ऐप, हाँ ये करंट अफेयर से है कि कौन सा जो मोबाइल ऐप था वो पंजाब स्टेट के गवर्नमेंट के थ्रू जो मतलब लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस से लड़ाई के मतलब फाइट से रिलेटेड जो था, कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन सा जो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च किया था उसका नाम बताना है आप लोगों को। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आरोग्य सेतु तो सबको पता होगा इसीलिए उसको नहीं पूछा, यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने खुद का जो ऐप था वो लॉन्च किया था उसको बताना है। तो कोवा पंजाब, ये इसका आंसर ये होगा। इसमें इन द रिसेंट FIH रैंकिंग लिस्ट, जो FIH का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इंडियन हॉकी मैन टीम इज रैंक्ड इन विच पोजीशन, 4th पोजीशन पे उनको रैंक मिली थी। अब देखिए ये कॉइन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज इतना, ठीक है, इफ द लॉस परसेंटेज इज 23% देन व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस क्या है? देखिए ये पूछ रहा है कि किसी चेयर को इसने एक आदमी ने बेचा 1386 में, उसका 23% का लॉस हुआ तो उसने खरीदा कितने में था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको आंसर तो है ही, आप लोग बताइए किसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोज में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इमर्ज एज द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020, कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो विनर रही है खेलो इंडिया यूनिवर्स गेम्स 2020? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, आप लोग आंसर इसका लगा दीजिए। हु सेलेक्टेड एज द चीफ सेक्टर ऑफ द इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, ICC के जो चीफ सेलेक्टर हैं उसका सिलेक्शन हुआ था वो कौन थे, अभी अभी हुआ है तो सुनील जोशी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, PAL एक वर्ड दे रहा उसका कुछ रिलेटेड है RDP से, फिर MRF दे रहा तो उसको बताना है कि OUGJ कैसे हो गया, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका मैं आंसर आप लोगों को दे दे रहा हूं, बताइए कि इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर ये कैसे आया, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में। From how many Indian state does topic of the cancer passes? मतलब कि topic cancer का जो जो अभी topic चल रहा है वो कहाँ से मतलब वो चला गया है, कौन से state से? तो 8 जो अभी state हैं, राज्य हैं इंडिया के, वहाँ से topic cancer जो है pass हो गया है, मतलब चला गया है। Who won the best actor award जो है वो किसने अभी won किया है? तो 64th National Film Award जो अभी हुआ था उसमें best actor award का मतलब खिताब जो होता है किसने जीता है? अक्षय कुमार ने। Who built the Konark Sun Temple in the Chhattisgarh? कोणार्क का मंदिर आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, तो किसने बनाया था ये आप सभी को पता होगा, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वैसे आप लोग को दिख भी रहा है होगा कि कोकान कोस्ट इज स्प्रेड बिटवीन, कहां से कहां तक फैला है कोकान कोस्ट? तो वो दमन टू गोवा के बीच में मतलब से वहां तक कब फैला है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट
एम्बेसडर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑफ टर्की। जो देखिए टर्की का जो एम्बेसडर है वो उनको मतलब कौन अभी अपॉइंटमेंट किए गए, जो पिछले थे उनको चेंज कर दिया गया था, तो संजय कुमार पांडा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। टर्की क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए क्यों इससे कुछ नया है, क्योंकि टर्की जो है इंडिया के खिलाफ अभी काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी में रहा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 500 T20 मैचेस। देखिए वो कौन सा प्लेयर बना है जो 500 T20 मैचेस मतलब अभी प्ले कर चुका है, IPL वगैरह सबको मिला के शायद, तो किरण पोलार्ड का नाम आता है इसमें, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, किरण पोलार्ड का नाम आप लोग सभी जानते होंगे। तो ये जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे वो 19 तारीख को आया था, जो क्वेश्चन वो था, आप 16 तारीख वाला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये ऑथर बोल रहा है कि ये जो बुक है इसका ऑथर कौन है, तो ये आप लोग को आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। फिर ये भी जो है, ये बुक है ऑथर इसका पूछ रहा है, ये आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। हाउ मेनी इंडियन बॉलर हैव टेकन हैट्रिक इंटरनेशनल क्रिकेट, हैट्रिक इंटरनेशनल क्रिकेट कौन कौन से बॉलर जो है वो ले चुके हैं इंटरनेशनल में, IPL को अगर हटा दे तो शायद, हाँ इंडियन जो बॉलर है वो किसने जो है मतलब हैट्रिक लिया है। तो हाल ही में अभी वर्ल्ड कप में किसने हैट्रिक लिया था, ये आप सभी ने देखा होगा, मोहम्मद शमी ने लिया था, तो एक तो वो हो गया, दो लोग कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फिर अगला है, मटकी डांस बिलोंग टू विच इस इंडियन स्टेट, जो मटकी डांस होता है वो कहाँ बिलोंग है, कहाँ से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश से, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, IWGA एथलीट ऑफ द ईयर 2019 किसको मिला था, निक रापा। आगे बढ़ते हैं, आइए ना इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इंस्ट्रूमेंटल प्लेड बाय अलका अल्लाह रखा खान, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्लेड किया गया था इनके थ्रू, तो वो है टेबल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिफिशियंसी कॉज पूछ रहा है, थायामीन डिफिशियंसी कॉजेस क्या मतलब इससे होता है, कौन सी बीमारी होती है, ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेरीबेरी, आप लोग सभी नाम सुना होगा बेरीबेरी का, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। हेलियोट्रोपिज्म फेनोमिना क्या होता है उसके बारे में बताना है, तो ये आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो सारे क्वेश्चन पेपर हैं उनका डीप एनालिसिस करूं, कि उसका मतलब सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा, गवर्नर ऑफ गोवा कौन था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ये करंट अफेयर्स का है, मैंने अपने वीडियो में आप लोग को बताया है। फिर अगला बढ़ते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN कब इंट्रोड्यूस किया गया था, PIN जो पिन नंबर होता है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1972 में। स्लेट जो होता है वो किस टाइप का रॉक होता है, ये आप लोग को बताना है, मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में पाया जाता है। अगला देखते हैं, आर्टिकल फॉर प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया जो है वो कौन से मतलब आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट रूल जो होता है राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 123 जो है 123 उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं कि 15 अक्टूबर से को जो मतलब आया था 15 अक्टूबर को उसमें क्या था, विच टीम हैज द टॉप ICC वुमेन टीम रैंकिंग। देखिए कौन सा टीम जो है उसमें टॉप ICC वुमेन्स टीम रैंकिंग के अंतर्गत आता है, तो ऑस्ट्रेलिया ODI और T20 दोनों के अंतर्गत टॉप पे है, तो ये वुमेन्स टीम है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। वो इज द टॉप रैंक इन टेनिस 2020 में कौन जो है टॉप रैंक पे है, तो ये आप सभी को पता होगा, नोवाक डोजोकोविक, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सरोजिनी नायडू वाज INC चेयरमैन इन विच ईयर, सरोजिनी नायडू के ऊपर ये क्वेश्चन है, कौन से ईयर में जो INC चेयरमैन होती है वो थी, तो 1925। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी गेव द टाइटल दीन बंधु को का उपाधि जो है महात्मा गांधी ने किसे दिया था, यानी कि किसको दीन बंधु के रूप में हम लोग जानते हैं, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स रिजिग्नेशन लेटर टू हूम,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। हु इशूज द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। सैंडी सॉइल जो होता है उसके बारे में बताया गया है, मैंने बताया है अपने वीडियो में कि कितने टाइप के मिट्टी होते हैं, वो अगर आप लोग वीडियो देखें तो इस क्वेश्चन का आप लोग आसानी से क्वेश्चन का मतलब ये सॉल्यूशन आप लोग दे सकते हैं। मैं इसको जो मतलब थोड़ा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोग को थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे मतलब कि पूरा स्क्रीन में फिट हो जाए। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर इज द झारखंड लेजिस्लेटिव एम्बेसी असेंबली, माफ कीजिएगा एम्बेसी नहीं असेंबली। तो आप लोग को ऑप्शन दिया गया था उसमें से ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच एनिमल इज यूज द टिबेट फॉर ह्यूलेग, ह्यूलेग जो होता है मतलब टिबेटियंस जो होते हैं टिबेट के साइड के लोग वो मैक्सिमम किस जानवर का यूज करते हैं, तो याक का आप लोग जानते होंगे ये यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हु लॉन्च द प्रवासी रोजगार ऐप, जो है प्रवासी रोजगार ऐप मतलब किसने लॉन्च किया था, ये आप लोग को पता होगा, ये लॉकडाउन के समय लॉन्च किया था, सोनू सूद ने लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, विच इज द रैंक इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2020 उसमें इंडिया का जो रैंक है वो क्या था वो आप लोग को बताना है। ये 117 है, और आज अभी हाल ही में जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है जिसपे मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, उसमें इंडिया की क्या रैंक है और पाकिस्तान की क्या रैंक है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच गवर्नमेंट हैज द स्टेटेड रोजगार बाजार, रोजगार बाजार अभी हाल ही में किस गवर्नमेंट ने लगाया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने। आगे देखते हैं, ये 14 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। गुजरात श्री द्वारकाधीश टेम्पल इज लोकेटेड इन ऑन विच रिवर, जो गुजरात का जो श्री द्वारकाधीश टेम्पल जो है वहाँ कौन से रिवर पे लोकेटेड है, गोमती रिवर पे लोकेटेड है। आगे बताते हैं, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द ऑफ ए मूवी बेस्ड ऑन पीएम मोदी, पीएम मोदी पे जो अभी हाल ही में फिल्म आई थी जिसके अभिनेता थे विवेक ओबराय, तो उस पिक्चर को किसने लिखा था, उसके डायरेक्टर कौन थे, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके डायरेक्टर का नाम यहाँ पे है, ये आप लोग देख लीजिए, मोहिनीअट्टम डांस, मोहिनीअट्टम ये प्रोनाउंसिएशन सही है मेरा, मोहिनीअट्टम डांस बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट, केरला में बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के थ्रू कौन रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनके थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है, ये मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री के लिए जो अविश्वास पत्र पारित करते हैं लोग ना, जैसे अभी मोदी जी के खिलाफ पारित किया गया था कांग्रेस वालों ने, तो उसी टाइप का इम्पीचमेंट होता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि मतलब अगर सबको लगे सारे जितने भी संसद होते हैं उनको लगे कि भाई मतलब पूरा कोई करप्शन में इन्वॉल्व है चाहे किसी चीज में इन्वॉल्व है तो सब लोग वोटिंग करेंगे और उनको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। ऐसे ही जो इम्पीचमेंट होता है अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मतलब खिलाफ पेश किया गया था, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक मैन बुकर प्राइज विनर सेलेस्टियल बॉडीज, जो अभी आई थी बुक उसके राइटर कौन थे ये आप लोग को बताना है। ये देखिए यहाँ पे मैं आंसर आप लोग को दे दे रहा हूँ। अगला देखते हैं, ह्यूमन लिव लाइव इन विच एटमोस्फियर लेयर, देखो जो हम लोग का ह्यूमन लाइफ होता है वो कहाँ पे मतलब कौन से एटमोस्फेरिक लेयर में होता है। देखिए वायुमंडलीय परत जो होती हैं कितने होते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। सबसे जो नजदीक का परत होता है वो कौन सा होता है, किस पे हम लोग जीते हैं वो कौन सा परत होता है, सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी जल्दी। ट्रोपोस्फीयर वैसे इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सत्याग्रह आंदोलन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर ऑफ बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो थे वो कब से मतलब स्टार्ट कर दिए थे सत्याग्रह आंदोलन,
एक तरह से आप लोग कह सकते हैं नमक सत्याग्रह भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था, उसी के आसपास, तो 1906 में हुआ था, ठीक। इन विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विथ नेपाल, कौन सा जो इंडियन स्टेट है नेपाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, वैसे अगर मैप आप लोग देखे होंगे तो उसमें पता ही होगा। देखिए बिहार शेयर करता है, उत्तर प्रदेश शेयर करता है, वेस्ट बंगाल शेयर करता है नेपाल के साथ, उत्तराखंड का भी बॉर्डर कुछ शायद लगता है नेपाल के साथ, हाँ ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, इसके अलावा जो उस ऑप्शन में था वही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए उत्तराखंड, सिक्किम भी मतलब नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल भी। देखिए बॉर्डर का मतलब ये नहीं कि लैंड बॉर्डर, अगर सी बॉर्डर भी है, नेपाल तो खैर सी से कनेक्टेड नहीं है, चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्रीज हैं, तो मैं आप लोग को ये इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज प्रेसिडेंट आईएनसी सेशन जो है 1949 के, सुभाष चंद्र बोस जो थे। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूल मत जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इज विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, कौन से नंबर प्रेसिडेंट का नंबर, ठीक। तो यानी कि अभी उनसे पहले 13 प्रेसिडेंट आ चुके हैं इंडिया में, ये 14वें प्रेसिडेंट बने हैं रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं, हु वाज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनवरी 2020 के जो चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया के जो थे वो कौन है, सुनील अरोड़ा। When was the national flag of India adopted? भारतीय झंडा जो था, national flag, राष्ट्रीय ध्वज, वो कब adopt किया गया था, कब लिया गया था, 22 जुलाई को 1947 में। Which two UTs were recently merged in India? कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो रिसेंटली जो है इंडिया से मतलब मर्ज हो चुकी हैं? एक तो है दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। आगे बढ़ते हैं, विच डिजीज़ पॉलिश राइस कॉ, जो पॉलिशदार चावल होता है उससे कौन सा बीमारी होता है, ये आप लोग को बताना है, बेरी बेरी। फिर इस पे क्वेश्चन आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है बेरी बेरी, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिए। हु इज द न्यूली अपॉइंटमेंट कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप लोग को बताना है, जीसी मुर्मू, ठीक है, ये नाम ध्यान में रखिए। हु इज द फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया CDS जो अभी बनाया गया है, ये आप लोग को बताना है, जनरल बिपिन रावत। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन 13 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए IPL से पहला क्वेश्चन आते हुए इसका आंसर दीजिए बिना देखे, हु इज द IPL 2019 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन था, आंद्रे रसल, भाई बहुत मारा था 2019 में, इसीलिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था, कैपर मैच विनर भी रहा, तो आंद्रे रसल, ये आप लोग को ध्यान में रखना। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया, रसिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, देखिए व्लादिमीर जो पुतिन है वो आपके प्रेसिडेंट हैं, ठीक, प्राइम मिनिस्टर जो है, हाँ ये आप लोग को ध्यान में रखना है, प्राइम मिनिस्टर, हाँ माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर है मकाली, ये आप लोग को मिस, देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका हो नहीं रहा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। हु वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट इन, देखिए 1929 के में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी जो क्वेश्चन आया था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को बताया गया था कि वो कब थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो आप लोग को बताना है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में। फिर देखिए 104 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ये आप लोग को बताना है, जो 104वां जो अमेंडमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस चीज से रिलेटेड है, ये आप लोग को बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर, आप लोग को मैं शो कर दे रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन 101/4 अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंड रिजर्वेशन ऑफ 10 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट, ये रिजर्वेशन आरक्षण के ऊपर था कि 10 साल बढ़ा दिया गया था, रिजर्वेशन जो था 10 साल दिया गया था शेड्यूल कास्ट को, और ट्राइब्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ये जो थे इन सभी लोगों को, मतलब ये जो अमेंडमेंट आया था उसमें रिजर्वेशन का था, ठीक।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हु वाज द राइटर ऑफ बर्नर्ड शुगर। ठीक, ये आप लोग को देखना है, ये जो बुक था बर्न शुगर उसके राइटर कौन थे, अवनी दोषी। ठीक है, दोषी लिखा है। हाँ, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है आप लोग को बताना है, कुंचिकाई फॉल्स। ठीक, कुंचिकाल फॉल्स, काल है ना, हाँ काल। ठीक, इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल सेंचुरी इस कहाँ पे है, क्रोकोडाइल का जो सेंचुरी है जो कि डेंजर में है कहाँ है, नेशनल चंबल सेंचुरी, जो चंबल का जो सेंचुरी है मध्य प्रदेश में है, ये आप लोग को बताना है। देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आप लोग को बताया था मैंने, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था, तो जितने लोग उस क्वेश्चन को ध्यान में रखे होंगे आप लोगों का ये क्वेश्चन जरूर आया होगा आप लोग को। एंट्रिंग पॉइंट ब्रह्मपुत्रा इज इन इंडिया। देखो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो कहाँ एंटर करती है इंडिया में, जो ब्रह्मपुत्र नदी है आप सभी को पता होगा कहाँ से आती है, वो कहाँ कौन से मतलब राज्य में एंटर करती है इंडिया में सबसे पहले, वो आप लोग को बताना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले एंटर करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में शिजांग जो मतलब है वो बोला जाता है। आगे देखते हैं काशी गारो एंड जयंतिया हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, मेघालय में है, आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर कबड्डी 2019, द्रोणाचार्य अवार्ड कितना इम्पोर्टेंट है, दो बार क्वेश्चन आ गया कि एक बार द्रोणाचार्य अवार्ड कब दिया मतलब देना स्टार्ट किया गया था, और एक बार 2019 का द्रोणाचार्य अवार्ड कब दिया गया। आगे बढ़ते हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे 2020 कब मनाया गया था, दिसंबर माफ कीजिएगा मतलब कब होगा ये मनाया जाएगा, माफ कीजिएगा, ये जो फ्लैग डे मनाया जाता है आर्म फोर्सेस का तीनों सेना का, वो कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। डिवीज सरन रिलेटेड विच स्पोर्ट, टेनिस से स्पोर्ट करते हैं, लेनिस एंड मोफिया जो है वो क्या है, कॉनकेव है। आगे बढ़ते हैं केमिकल नेम बताना है, केमिकल नेम आप लोग को माफ कीजिएगा, केमिकल नेम बताना है, केमिकल नेम आप लोगों को मैंने बताया था विटामिन डी का, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देख के नहीं ऐसे बताना है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बताइए गैलीलियो गैलीली। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार, मीरा कुमार जो है फर्स्ट वुमेन स्पीकर है लोकसभा की। इंटरनेशनल गर्ल्स डे कब मनाया जाता है, वुमेन्स डे नहीं है गर्ल्स डे है, ये आप लोग ध्यान में रखना है 11 अक्टूबर को। कैग रिपोर्ट जो है वो अपॉइंटेड बाई किसके थ्रू दिया जाता है, प्रेसिडेंट। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग को बताना है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था जल्दी से बताइए इसका आंसर 1761 में। अब देख लेते हैं 12 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कुछ क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हु वाज अपॉइंटेड एज द इंडियन आर्मी चीफ इन जनवरी 2020, बिपिन रावत को इंडियन आर्मी चीफ मतलब वहां पे अपॉइंटमेंट किया गया था मतलब थे 2020 के, उसके बाद उनको सीडीएस बना दिया गया, और अभी हाल ही में कौन है मतलब आर्मी चीफ वो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। आर्मी चीफ बताइए आप लोग, एयरफोर्स के जो एयर मार्शल हैं वो बताना है, नेवी के जो चीफ हैं वो बताना है, तीनों के चीफ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए एक क्वेश्चन आया था सागर मेला योजना से रिलेटेड, उसको मैंने यहाँ पे आंसर उसका नहीं लिखा हूँ, क्या क्वेश्चन था वो भी हमें ध्यान नहीं है। आगे बढ़ते हैं हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये दो बार आ चुका सेम मतलब एग्जाम में, एक बार पहले भी हम लोग इसको देख सकते देखे थे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च इन कौन से, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो था वो कब लॉन्च किया गया था, 1 अगस्त 1920 को, माफ कीजिएगा 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए इसका, 8 अगस्त 1942 को, क्यों ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया अचानक से, ये भी आप लोगों को रीजन बताना है, माफ कीजिएगा लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था। मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी, एलपीजी के कंपोनेंट्स क्या हैं ये बताइए आप लोग, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसके, कार्बन एटम्स नॉर्मली कंपोनेंट जो है C3H8 होता है,
और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके मतलब नॉर्मली कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच पर्सनालिटी बर्थडे, जो कौन से व्यक्ति के मतलब जन्मदिन पे नेशनल युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 12 तारीख को मनाया जाता है, कौन से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जल्दी से बताइए। बेस्ट अवार्ड स्पोर्ट्स कोचिंग, देखो स्पोर्ट्स कोचिंग से रिलेटेड कौन सा अवार्ड मतलब बताया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ये आप लोग देखिए, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है द्रोणाचार्य अवार्ड से, अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन नहीं है, तो इंपॉर्टेंट कितना है आप लोग जानते ही होंगे। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट गॉट नोबेल प्राइज, बराक ओबामा। फिर देखते हैं अगला, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है, आनंदीबेन पटेल। आप देखते हैं कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या रहने वाला है उसका गेस करते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर्स का जो था 18-19 का था, देखिए 19-20 का भी हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल का कट ऑफ कितना रहा था, उसके पिछले साल का 2012 से लेकर 2019 तक का जो एग्जाम हुआ है 2019 तक का एसएससी का, वो सारे कट ऑफ का हम लोग एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। देख लेते हैं, ये जो है 18-19 का पेपर का मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी यहाँ पे है एससी एसटी ओबीसी जनरल आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ओबीसी जनरल 181.47, ईडब्ल्यूएस का उस समय नहीं था तो उस समय नहीं है, ईडब्ल्यूएस का देखिए ये एग्जाम का बताया गया है कौन कौन से कैटेगरी में, ये एलडीसी वाले में बताया गया है कि 135 था जनरल का कट ऑफ, ये जो डीईओ जो होता है पोस्ट उसमें उस कैटेगरी में बताया गया था 181.47, ये 19 में था, उसमें ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट नहीं था शायद। हाँ, उसके बाद आगे देखते हैं, डीईओ का जो सी एंड एजी वाला पोस्ट होता है ये आप सभी को पता होगा, उसमें था, ये कट ऑफ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 2018-19 का मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, पोस्ट 3 तो है सेम, एलडीसी है, डीईओ है जो सी एंड एजी से अदर देन है उसका, और फिर सी और एजी वाला, ठीक है। आप लोग बताइए सी और एजी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में। तो इसका जनरल का था 252.06, मैं देखिए जनरल का मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी सबका दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर तो जो बच्चे हैं जनरल से हैं तो कट ऑफ उनका ज़्यादा जाता है और बाकी सारे लोगों का जाता है कट ऑफ ठीक ठाक। आगे देखते हैं, देखिए ये जो पोस्ट था उसका 223 लगभग था, 200-225 मान लीजिए 223.5, और उसमें जो एक्स जो सर्विसमैन है उसका ये था, हैंडीकैप वालों का था, ऑर्डर्स का था, वीएच जो होता है ओबीसी एससी एसटी वीएच क्या होता है आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं, सीएची मतलब 2017 का कट ऑफ क्या गया था उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से ले लीजिए। ओबीसी का गया था आपका 139 गया था, जनरल का क्या गया था 143 गया था, एससी का क्या गया था 122.50, एसटी का क्या गया था 112, वीएच का क्या गया था ओएच, और ईएक्सएस का क्या गया था ये आप लोग को बताना है। देखिए उस समय तो ये ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस वाले परेशान ना होए। आगे बढ़ते हैं, 2016 का कट ऑफ जो है वो क्या गया था 127 गया था, यानी कि कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ पोस्ट के हिसाब से, अगर आप लोग देखें कंक्लूजन इन 3 सालों से हम लोग निकाल सकते हैं, अभी मैं पूरा बता दे रहा हूँ उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे कि कितना आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जनरल का 127 गया था, फिर आपका ओबीसी का 120 गया था, एससी का 180 गया था, ये पोस्ट दूसरा है ये ध्यान में न रखिएगा, जनरल से ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है कि 180 गया है लेकिन वो पोस्ट दूसरा है, यहाँ पे लिखने में कन्फ्यूजन हो गया है, एससी एसटी का ये इतना नहीं होगा, ठीक इतना होता ही नहीं है, जनरल से कम ही रहता है, तो ये आप लोग यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एससी एसटी का देखिए 100 होना चाहिए यहाँ पे अप्रॉक्स, ये 99 है तो वो भी 100 के करीब या 120 के करीब होना, 120 से कम होना चाहिए एससी का, ठीक। और भी यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। आगे देख लेते हैं 2015 का कट ऑफ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। 119 था, फिर ओबीसी का 110 था, एससी का था 99, एसटी का था 89.5, और भी सारे चीज़ों का कट ऑफ था ये आप लोग को बता दे रहे हैं हम।
अब देखिए अगला है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, ये तो देखिए 2011 12 13 सब बता दे रहा है, 2011 से लेकर 13 14 तक, ठीक। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कब है 11 12 13 14, ठीक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब रीड नहीं करने वाला हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पोस्ट के हिसाब से अगर पोस्ट को हटा दिया जाए तो जनरली तो जनरल का होगा कट ऑफ मार्क्स वो होगा आप लोग का 120 से लेके 180 तक, 180 तक के बीच में हो सकता है जनरल का कट ऑफ मार्क्स। मैं ये पूरा नहीं बताऊंगा कि कितना एग्जैक्ट होगा, मैं नहीं बता सकता, माफ कीजिएगा जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, हो सकता है कि उसका भाग सही हो, उसका मतलब क्वेश्चन मतलब अंदाजा सही निकल जाए, लेकिन मैं अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कितना होगा। फिर अगला कट ऑफ जो है ओबीसी का है, ओबीसी का कट ऑफ भी 103 से लेके 120 या 140 तक जा सकता है, ठीक। अगला एससी एसटी का, एससी एसटी का जो है 70 से लेके आप लोग का ज्यादा से ज्यादा जाएगा, तो एससी एसटी दोनों का कंबाइन करके बता रहा हूँ, एससी एसटी का कंबाइन कर दे तो 50 से लेके एसटी का भी, एससी और एसटी अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों का कंबाइन करके अगर मैं रेंज बताऊं तो 50 से लेके आप लोग का अप्रोक्स 100 के बीच में आएगा, 100 एससी वालों का थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है, 110 तक आ सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बाकी सारे लोग कम ही हैं तो मैं इन लोग का गेस नहीं करने वाला हूं। अब देखिए टाइमलाइन क्या थी, ये सारी चीजें तो आप लोग को पता होगा कि क्या क्या मतलब कौन कौन से डेट पे क्या क्या आया था, कब एग्जाम हुआ, ये सारी चीजें थी। इस एग्जाम में हाईलाइटेड जो क्या क्या चीजें थी वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन थे 2 नंबर के थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ये आप सभी को पता होगा। देखिए ये सारे डिटेल जो है मैं बिगनर्स लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन टाइप के क्वेश्चन थे, देखिए। और नेगेटिव मार्किंग था, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स जो है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे आप लोगों में से। ये था एडमिट कार्ड फोटोकॉपी, ये जो लिखा जाता है वो एडमिट कार्ड पे वो सारी चीजें हैं, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो आप लोग ले लीजिए और जूम कर लीजिएगा, ठीक। तो ये था हाईलाइट और ये था एनालिसिस पूरे एसएससी के एग्जाम का कि कब से कब जो अभी पेपर हुआ है 2020 वो उसका कि 12 तारीख से लेके जो 20 तारीख तक एग्जाम हुआ है वो सारी चीजों का, और जो कट ऑफ है 2011 से लेके 2019 तक का उसका एनालिसिस हुआ है इस वीडियो में, और क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए थे, वो सारी चीजों का एनालिसिस इस वीडियो में हुआ है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।